नहीं नहीं हमरा बात सुनो मैडम, देश के विकास करने है ना, देश के विकास करने है तो हर इलेक्शन में बीजेपी का जीतना बहुत जरूरी है। देश के पीएम से लेके गांव के प्रधान तक सब बीजेपी का होना चाहिए। देश के विकास करने अगर हम मान रहे हम चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में धांधली हुआ है, मान रहे, ईमानदारी से मान रहे हैं, दिन दहाड़े धांधली हुआ है चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में, एकदम खुलेआम हुआ है, पर इसका जिम्मेदार कौन है बताओ हमको, कौन है जिम्मेदार? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पार्षद, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पार्षद जिम्मेदार है जो धांधली हुआ है। ये जो पार्षद है सभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, अगर ये लोग पहले ही मान जाता, कितना समझाए होंगे सूटकेस के भाषा में, ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स से मिलवाने का प्रामिस भी किए होंगे कि नहीं किए होंगे। ये सब करते हैं ना मोदी जी, देश के विकास के लिए इतना कोशिश करते हैं मोदी जी, इसके बावजूद भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो पार्षद है देश के बारे में नहीं सोचा, राम मंदिर के बारे में नहीं सोचा। ये लोग जो आदमी राम को लाया है उसको वोट नहीं दिए, तो देश विरोधी, राम विरोधी, हिंदू विरोधी हो गए कि नहीं हो गई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पार्षद? वैसे ही नहीं बोल रहे मैडम, हम फैक्ट का बात कर रहे हैं। वोट डालते टाइम एक बार को भी लोग जो हैं, जो पार्षद हैं, एक बार को भी नहीं सोचे मोदी नहीं तो कौन, एक बार को भी नहीं सोचे मैडम, और अपने अपने पार्टी को वोट दे दिए। अब मोदी जी क्या करेंगे बताओ हमको, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को कितना वोट मिला? 20 मिला ना, और बीजेपी वाले को कितना मिला? 16। अब बताओ हमको मोदी जी क्या करेंगे? अभी तो राम मंदिर का उद्घाटन हुए हैं, एक हफ्ता भी नहीं हुए, और उद्घाटन होते ही जो पहला इलेक्शन हुए उसमें बीजेपी हार गए, का मैसेज जाएंगे देश में बताओ हमको? राम मंदिर बनवाने का क्या फायदा हुआ फिर? नहीं बताओ हमको मैडम, तो हो गए 8 वोट इनवैलिड। और ये लोग क्या बोल रहा है, देखें मैडम हम आपके चैनल पे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले का ही वोट इनवैलिड काहे हुए हैं, बीजेपी वाले का काहे नहीं हुए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले कोई मेयर के इलेक्शन में वोट डालना भी नहीं आता। हाँ तो नहीं आता होगा, इसमें कौन सा हैरानी का बात है, मोदी है तो मुमकिन है मैडम, कुछ मुमकिन है। इस वजह से ही मोदी जी ईवीएम से चुनाव करवाते हैं, जो ये बैलेट की जगह ईवीएम से चुनाव होते ना मैडम, तो इतना हल्ला ही नहीं मचते। अब आप सोचो पूरे देश में ईवीएम के जगह बैलेट पेपर से इलेक्शन हो गए तो कितना मेहनत बढ़ जाएंगे मोदी जी। एक मिनट, फोन आ गया संतोष के फोन। हेलो, अच्छा पहुंच गए, आ रहे हैं हम भी, मस्जिद पे जाके नाचना है ना मैडम, वहां जा रहे हैं, इंटरव्यू बाद में कर लेना।